नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें भारत के भूगोल में अपवहन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जो हैं उनको लेंगे। आगे फिर जरूरत पड़ेगी तो आगे के एपिसोड आते रहेंगे और 10 प्रश्न आज के करेंट अफेयर पर डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पाक की खाड़ी में गिरती है? नदी कोई भी जो होती है उसका कहीं ना कहीं से उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद में कहीं ना कहीं वो नदी जाकर गिरती है या विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। किसी नदी में मिल जाती है तो उसको सहायक नदी के बोल देते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके समुद्र में गिर जाती है, किसी खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पाक की खाड़ी में गिरती है, ये पूछा जा रहा है। पाक की खाड़ी है कहाँ? जब आप भारत का मैप देखेंगे तो पाक की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? पाक की खाड़ी साउथ में आप जाएंगे तब आपको मिलेगी, है ना, तो श्रीलंका और भारत के मध्य में। तो ये जो वैगाई नदी है, वैगाई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। एक मैपिंग की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें कंप्लीट मैपिंग हम करेंगे वर्ल्ड की और इंडिया की। जल्द ही वो स्टार्ट हो जाएगी, इधर कुछ व्यस्तता थी इसलिए मैंने नहीं स्टार्ट किया, और इसी चैनल पर उसको हम करके इस तरीके की मैपिंग होगी वो कि आपके सारे एग्जाम्स उसमें कवर होंगे। कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वो काम आएगी। तो वैगाई नदी तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिला पड़ता है, वहां पे वरुषनाडु पहाड़ी से निकलती है, और वरुषनाडु पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ चली जाती है? ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा, कावेरी, पेन्नार जो 3 नदियां दी हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये जाती है वैगाई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी हिमालय श्रृंखला से तो निकलती है, लेकिन हिमालय में भी और कई श्रृंखलाएं हैं, तो हिमालय एक वृहद श्रृंखला हो गई, उसमें कैलाश श्रृंखला भी पड़ती है, तो कैलाश श्रृंखला से ये सिंधु नदी निकलती है। अगर और भी डिटेल में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है सेंगे खबब एक ये स्रोत है इसका, सिंधु नदी का, और अपने उद्गम ये जो सेंगे खबब है ये कैलाश से 62.5 मील उत्तर में है। वहां से जब ये निकलती है नदी तो तिब्बती पठार की चौड़ी घाटी में से होकर कश्मीर की सीमा को पार करके दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के रेगिस्तान और सिंचित भूभाग में बहती हुई कराची के दक्षिण में जाकर अरब सागर में यहाँ पर आकर गिर जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये एरिया है और ये कराची है तट पे, और यहाँ पर आके ये गिर जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ नदी दी है और एक तरफ देखिए सहायक नदी दी है, तो कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखते हैं, तो गंगा की ये सोन हो जाएगी, A का 4 हो जाएगा। A का 4 देखिए 2 में दिया है, और ये कृष्णा कृष्णा की कौन सी हो जाएगी? इस तरीके से आप सेट करेंगे इसको। तो अब देखिए, अगर A का 4 दिया है तो एक चीज तो निश्चित है कि अब इन्हीं A और D में से ये आंसर होगा। तो कभी भी जब आपको जो पता हो तो उसको आप कम से कम सेट कर लें। तो बी का यहाँ पर, बी का गोदावरी का क्या हो जाएगा? मंजरा, V का 3, और कृष्णा का भीमा हो जाएगा, C का 1, और यमुना का केन। तो 4 3 1 2, और 4 3 1 2 दिया है डी विकल्प में, तो 4 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप लिख लिया कीजिए या उसको सुमेलित कर लिया कीजिए, नहीं तो मैच वाले में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मैच सही नहीं हो पाता है। तो गंगा सोन, गोदावरी मंजरा, कृष्णा भीमा और यमुना केन, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोदावरी नदी जिन जिन राज्यों से होकर बहती है वो राज्य कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ से बहती है गोदावरी नदी? तो गोदावरी नदी आपकी बहेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साथ में आंध्र प्रदेश में, दो ये राज्य हैं जो आपकी, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो में विभाजित हो गया है, तो ये 3 राज्य हो जाएंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां से ये बहेगी। निकलती है ये गोदावरी नासिक के त्रिवेंकम पहाड़ी से, पश्चिमी घाट में ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी प्रश्न अलग से आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, इसमें सूची सुमेलित करनी है, दो सूचियां दी हुई हैं, समीपवर्ती नदी और जो नगर है ना, यानी कि किस नदी के तट पर या उसके पास में कौन सा नगर स्थित है। तो बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन, तो उज्जैन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है, तो उज्जैन में है क्षिप्रा नदी, तो D का 3 हो जाएगा।
बैतूल, बैतूल कहां पर है? तो डी का 3 हो जाएगा। और बैतूल क्या होगा, नर्मदा होगा या ताप्ती होगा? तो ये इसमें कंफ्यूजन बस यही होता है। तो इस तरीके से आप क्या करें, नोट कर लें या फिर ऐसे इसको मिला लें। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को लापरवाही से आप ना करें, ठीक है ना? तो बैतूल जो है ये ताप्ती नदी, इसका ये हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा और ये एक मिनट, ये डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 और डी का 3, जैसे ही आप ये सेट करेंगे तो बी आपका आंसर निकल आएगा। जगदलपुर ये इंद्रावती हो जाएगा और जबलपुर क्या हो जाएगा, कौन सा, एक मिनट, नर्मदा। तो जबलपुर नर्मदा हो जाएगा। तो इस तरीके से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4A, 1B, 2C और 3D। तो बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है और ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुलताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और जो जबलपुर है ये मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी से कुछ दूरी पर स्थित है। और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। महाकाल का मंदिर यहाँ पर है, महाकाल का दर्शन आपको करना हो तो यहाँ पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढकी घेपन झील, बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ पर स्थित है? तो बर्फ से ढकी है लेकिन यहाँ पर देखिए हर जगह पे बर्फ जमती है। जहां जहां पर भी बर्फ जमती है वो ये चारों स्टेट हैं जहां पर भारत में बर्फ जमती है। तो यहाँ पे ऐसे तो आप नहीं जान सकते, तो घेपन झील आपको याद कर रखना पड़ेगा कि वास्तव में कहाँ ये स्थित है। तो घेपन झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति जिले में ये स्थित है। और इस यहाँ पर भृगु झील भी है, दसौर झील है, धानकर झील है ना, और गाधा सारू और महाकाली झील है, केरारी कुमावा झील भी है, लामा डल, चांदर नौन, मच्छियाल झील, महाराणा प्रताप सागर, ये सब हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में घेपन झील पड़ती है जो बर्फ से ढकी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक लैगून नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए, कौन सा एक है जो लैगून नहीं है? तो लैगून नहीं है अष्टमुदी, चिल्का, पेरियार, पुलिकट। आप उत्तर दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा? और इसका सही उत्तर है, पहले आप उत्तर दिया कीजिए फिर उसका मिलान किया कीजिए, और इसका सही उत्तर है पेरियार झील। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में जो निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें होती हैं उन्हीं को लैगून झील कहते हैं। जो पेरियार झील है ये 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, ये लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, और जो लैगून झीलें होती हैं तो वो जैसे ये समुद्र है और यहाँ से कुछ जल निकला और यहाँ पर ऐसे भरा था, थोड़े दिन बाद ये यहाँ से कट गया और यहाँ जल भरा रह गया, मतलब इधर तो सूख गया है, पानी खत्म हो गया। तो ये जो झील का निर्माण होती है छिछले खारे की पानी से ये भरी होती है झील, इसको लैगून झील कहते हैं। लेकिन ये जो पेरियार झील है ये पेरियार नदी की जल से बनी हुई है, तो ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, कहाँ पर स्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा इनमें से एक है जो ऐसा है, तो आप बताइए। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी, आप अपना उत्तर दीजिए, कौन सा मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये गोविंद घाट है, गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी ये जो तीनों हैं ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो गोविंद घाट के बारे में यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की पाई जाती है, कौन सा शहर है जो गंगा की नदी के किनारे स्थित है? तो ये चारों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है ये कौन सा सबसे बड़ा शहर है, आपका उत्तर क्या है और उस उत्तर का मिलान कीजिए। ये सबसे बड़ा शहर कानपुर है, क्योंकि यूपी में कानपुर की जनसंख्या अधिकतम नगरों की जनसंख्या में है, तो कानपुर जो शहर है वो सबसे बड़ा है। कानपुर के बाद पटना, फिर वाराणसी है, फिर इलाहाबाद है, इलाहाबाद सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो शहर हो जाएगा इसमें वो कौन सा हो जाएगा, कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी बोले तो गुजरात आपको जाना होगा ना, तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है
और माही का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश में धार जिला में मिंडा ग्राम पड़ता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वहां पर, और वहीं से ये दक्षिणी अरावली में जैसमंद झील से ये प्रारंभ होती है, और मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ और रतलाम जिला, गुजरात, राजस्थान ये और स्टेट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हो गया, यहाँ से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर, यानी खंभात की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर में, वहां जाकर ये गिर जाती है, वहां मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, कौन सा इम्पोज्ड रिवर का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण आप उत्तर दीजिए, अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी, ये चार विकल्प आपके सामने हैं, अपना उत्तर टाइप कीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां होती हैं जो अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजन नहीं करती हैं, यानी कि जैसी वो बह रही है वैसी बह रही है, ऐसा नहीं है कि वहां का जो प्रवाह स्थल है उसकी जैसी संरचना है वैसा हो जाए वो, यानी वो स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है, उनका जो मार्ग होता है वो खुद का मार्ग होता है, तो भारत में चंबल और सोन नदियां इसका एक परफेक्ट उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, तो चंबल भी है और आपसे पूछा जा सकता है सोन को, कभी कभी दो भी दे देता है, तो चंबल सोन दोनों भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि नदी तो ये भारत में बहती है लेकिन इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, बताइए इनमें से कौन है, अपना उत्तर फिर मिलान करिए, और इसका सही उत्तर है सतलज नदी, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है, राकस ताल, तो राकस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है, वहां पर स्थानीय तौर पर इसको लोगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, और यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होते हुए सिपकीला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश की भारत में बही, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, तिब्बत में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है, महात्मा गांधी सेतु एक बड़ा सेतु है, लंबा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो बिहार वाले लोग तो इसको जानते ही होंगे और यूपी वाले भी जानते होंगे क्योंकि ये चर्चा में रहने वाला सेतु है, और इसमें खैर ये सही कभी रहता ही नहीं है, डबल साइड जो है तो एक साइड में तो इसमें हमेशा काम ही चला करता है, सिंगल साइड में ही इसमें गाड़ियां निकाली जाती है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ये कहाँ है, बिहार में, तो ये इसकी जो लंबाई है वो 5.575 5.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है, आप सोचिए कितना बड़ा है, और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था, काफी पुराना भी हो गया, लगभग 40 साल का ये पुल हो रहा है, गैमोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था, लेकिन अभी ये टूट फूट गया है, काफी इसमें मरम्मत चलती रहती है, फिर से अभी बजट भी एलोकेटेड किया गया था इसके लिए, अलाट किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल, सोन, मानस, क्या ये सही दी हुई है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं, तो चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, क्या सोन यमुना सही है, और मानस, ब्रह्मपुत्र, तो दूसरा तो यहाँ पर गलत है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो देखिए तीन विकल्प निकल जाएंगे, केवल डी बचेगा, यानी कि मानस, ब्रह्मपुत्र सही है, चंबल, नर्मदा और ये सोन यमुना ये सब गलत है, ठीक है, क्योंकि चंबल नदी महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी में आकर मिलती है, तो ये किसकी सहायक हुई, चंबल सहायक हो गई किसकी, यमुना की, और सोन नदी ये गंगा की सहायक है, अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा था ये किसकी सहायक है, गंगा की, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की है, तो केवल तीसरा यही सही दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना, संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना, क्या नाम है, राजघाट, ये परियोजना लागू की गई किस नदी पर, ये लागू की गई है, उत्तर बताइए इसका, केन, सोन, चंबल, बेतवा, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में ये संयुक्त परियोजना है और इसका नाम है राजघाट नदी घाटी परियोजना, तो ये जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है किस नदी पर है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मिलान करिए, इसका उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर, ठीक है, और ये दोनों की संयुक्त है, यानी कि यूपी और साथ में एमपी की संयुक्त परियोजना है, ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर की दूर बेतवा नदी पर यह परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, एक हिजला मेला है जो संथाल परगना में है, दुमका में, किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, लेकिन रिवर से ये कल्चरल प्रश्न बन गया, तो ये भी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है,
प्रश्नों के प्रकार से परिचित हुई है, जिससे कि जब आप पढ़ें तो आपको पता रहे कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हिजला मेला ये किस नदी के तट पर आयोजित होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्णरेखा, वराकर, मयूराक्षी, फल्गु, ये चार विकल्प हैं और इसका सही उत्तर है मयूराक्षी नदी। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है, वहीं पर यह है और मयूराक्षी नदी को मोड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी दुमका झारखंड की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थल त्रिकुट में है जो बैद्यनाथ धाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि नॉर्थ से शुरू करिए इंडिया के मैप में और नॉर्थ से आप साउथ तक जाइए और आपको बताना है कि नदी कौन कौन सी पड़ेंगी। स्वयं, स्पीति, जास्कर, सतलज, ये चार नदियां हैं, उनका क्रम आपको नॉर्थ टू साउथ सेट करना है। आप अपना उत्तर दीजिए, फिर मिलान कीजिए। तो सबसे उत्तर में कौन सी होगी और उसके बाद सबसे दक्षिण में, सबसे उत्तर वाली शुरू होगी और सबसे दक्षिण में अंत होगा, तो ये कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? और इसका सही उत्तर है सबसे उत्तर में श्योक, श्योक के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में स्पीति और स्पीति के बाद में ये हो जाएगा सतलज। तो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, ऐसे इसका क्रम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? नदियों का अधिकतर जो स्रोत है वो हिमनदों में पाया जाता है, इनमें से किसका स्रोत ऐसा है जो हिमनद में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो इनमें से जो कोसी नदी है, कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान एक स्थान पड़ता है, गोसाई थान से निकलती है और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है ना? और किधर से मिलती है आप देखेंगे तो ये बिहार का सोक वाली कोसी है, ठीक है? तो ये बाई तरफ से मिलती है। नदियों का ये कैसे डिसाइड होता है? जिधर से नदी जिधर जा रही है, तो जिधर उसका मुंह होता है नदी का, तो उसके बाएं में बायां और उसके दाएं में दाएं, यानी कि इधर तीर है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, तो बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है। और नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। सात नदियां, इंद्रावती, सुनकोसी, भेट या भोट कोसी, तांबा कोसी, लिच्चू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामर कोसी के सम्मिलित प्रवाह के कारण इसको सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो स्रोत है वो गोसाई थान है, वो हिमनद नहीं है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का कौन सा उदाहरण है? ड्रेनेज रिवर का ये कौन सा उदाहरण नदी है जो उदाहरण है इसका? माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा, अंतःस्थलीय अपवहन। अपना उत्तर दीजिए और इसका मिलान करिए। इसका सही उत्तर है घग्गर। जो घग्गर है ये अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। भारत पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है। जब पानी हो जाता है तो ये भर जाती है, बहने लगती है, फिर से जब बरसात खत्म होती है तो ये सूख जाती है ना? और पहले घग्गर नदी के नाम से इसको जाना जाता था और उसके आगे हकरा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, घग्गर हकरा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम चंडीगढ़ के निकट हिमाचल प्रदेश व हरियाणा की सीमाओं पर शिवालिक पर्वत जो है वहीं से है, लेकिन ये बस वही बरसाती टाइप की नदी है और मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में जब वर्षा होती है तो शिमला के पास से ये निकलती है और फिर ये बहती है और ये अंतःस्थलीय अपवहन है, इधर उधर जाके नहीं मिलती, ये मतलब इन लैंड पे ही रहती है। अगला जो है लूनी नदी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए हुए, कौन सा एक सही है? ये चार में से केवल एक सही है। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, गलत है। कच्छ की खाड़ी में, ये भी गलत है। पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी विलीन होती, ये भी गलत है, क्योंकि लूनी नदी कच्छ की रन की जो दलदली भूमि है उसी में विलुप्त हो जाती है, खो जाती है, ठीक है? और इसी कारण से ये प्रश्न भी पूछा जाता है इस पर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी जो पड़ती है वहीं से ये निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ का रन का जो दलदली क्षेत्र है वहीं पर विलुप्त हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। और बाकी जो नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, ये तीन नदियां, ये बाकी जो ये तीन नदियां नहीं दी, जो तीन विकल्प दिए हैं ये गलत हैं, क्योंकि पहला दिया है खंबात खाड़ी तो ये गलत है, कच्छ खाड़ी और सिंधु नदी की सहायक नदी, तो ये सब गलत है क्योंकि ये दलदली भूमि में विलुप्त होती है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है ये आत्मनिर्भर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करते रहिए क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि यहाँ पर आप लीड कर सकते हैं किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में,
मेंस में भी, लेकिन प्रीलिम्स में तो पास फेल होने की नौबत आ जाती है इसी के कारण। तो ये जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर चुना गया है, और ये 2020 के लिए चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2020 के लिए वर्ड चुना गया है। 19 के लिए संविधान को चुना गया था हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, और 20 के लिए आत्मनिर्भर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? कई बार हम लोग ने डिस्कस किया है, यह है स्पेस एक्स, है ना, एलन मस्क की ये कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इन्होंने अभी नागरिक मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। और एलन मस्क जो है ये अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन भेजने वाले हैं, और स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर इंस्पिरेशन 4 का लॉन्च करने का ये योजना बना रहे हैं, और ये दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इससे पहले ऐसा मिशन नहीं गया है जो व्यावसायिक पर्पज से गया हो, और इसमें बहुत महंगे महंगे, इसमें लोगों ने टिकट्स लिए हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं वहां जाने के लिए, ठीक है। और इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो एक प्राइवेट कंपनी है इनकी, लेकिन ये नासा का ये जो स्पेस सेंटर है उसका उपयोग करेंगे इसके लॉन्चिंग के लिए। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ और नहीं, ये पढ़ा करिए सही से, है कि नहीं है, अपना उत्तर आपको देना है। यह एक राष्ट्रीय मिशन है, इसका उद्देश्य 2022 तक हर घर में नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी, और बजट 2021 में 2,87,000 करोड़ रुपए का परिव्यय जल जीवन मिशन शहरी के लिए किया गया है। अब बताना है कौन सा सत्य नहीं है। राष्ट्रीय मिशन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सन देख लेते हैं, तो इसमें जो दिया है 2022 तक उपलब्ध कराना, ये गलत है, क्योंकि ये उद्देश्य 2024 तक रखा गया है। 19 में इसकी घोषणा हो गई थी, और 19 और 5 24, 5 साल के लिए लक्ष्य रखा गया है, और इसमें नल के द्वारा जल कनेक्शन दे के हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, और ये 2024 तक का उद्देश्य रखा गया है। और बजट 2021 जो अभी पास हुआ है, तो इसमें 2,87,000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है इसके लिए। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो 4 फरवरी है, ये कैंसर दिवस के रूप में मनाई जाती है। 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे दुनिया में। और इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करना। कैंसर के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले गांव में इसको नहीं, मतलब गांव में माना जाता था कि ये अमीरों का रोग है, और गांव में माना जाता था कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, लेकिन अब हर गांव में आपको इसके मरीज मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रकार हैं इसके, अगर प्रारंभिक तौर पर पता चलता है तो कुछ उपाय है, नहीं तो कोई उपाय भी नहीं है। 2018 में कैंसर के मामले देखा जाए तो 18.1 मिलियन तक पहुंच गए हैं, और कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या भी 9.6 मिलियन तक पहुंच गई है। जीवन में औसतन 5 में से 1 पुरुष को तथा 6 में से 1 महिला को कैंसर हो ही जाता है, तो ये औसत आ रहा है, कितनी गंभीर समस्या ये है। खान पान सही रखिए, और ज्यादातर उपयोग करिए बिना केमिकल वाली चीजों को। जैसे जब से ये खेती किसानी में केमिकल का उपयोग या रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा है, तब से इसके जो मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे पंजाब वगैरह में ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव था, अब हर जगह वही चीज हो रही है। अगला जो प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया किस स्थान पर किया गया है? उत्तर देने की कोशिश करिए कहां पर किया गया है। तो एरो इंडिया 2021 का जो ये आयोजन है, ये अभी फरवरी के, अभी चल ही रहा है, 2 से 5 फरवरी के बीच का ये आयोजन है, और 3 से 5 फरवरी, सॉरी, 3 दिन का है 2021 का जो ये आयोजन हो रहा है। और ये बेंगलुरु का एयर फोर्स स्टेशन एलंका जो है, एलंका एयरबेस जो है, वहीं पर ये किया जा रहा है, और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, बेंगलुरु में हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये प्रश्न रह गया था क्योंकि 10 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। तो इसका जो थीम है, जो विषय है इस बार का, वो विषय है वेटलैंड्स एंड वाटर। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम है, ये वेटलैंड्स एंड वाटर रखी गई है,
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों और देशों से उन्हें पुनर्स्थापित करने की कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। ये थीम है इस वर्ष की, जो थीम है आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है वो यही काम करता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला लिया है, यानी कि इंडिया, जापान और वो देश थे लेकिन अब वो हट रहा है। अपना उत्तर दीजिए, देखिए कोशिश करिए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये जो देश है वह है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी अपनी कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया है कि कोलंबो बंदरगाह का जो पूर्वी टर्मिनल राज्य के अस्तित्व वाले श्रीलंका पोर्ट प्राधिकरण के 100% स्वामित्व में संचालित होगा। तो अभी पहले ये क्या हो रहा था, ये इंडिया और साथ में इसमें जापान, श्रीलंका, ये तीनों मिलकर कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि अपने देश की जो स्वामित्व वाली कंपनी है, ये श्रीलंका पोर्ट प्राधिकरण है, कंपनी नहीं प्राधिकरण है, वो 100% स्वामित्व में उसको संचालित करेगा, यानी कि पूरा संचालन उसके हाथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने यूनिट होल्डर को 9,122 करोड़ रुपये वितरित करने का निर्देश दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किसके साथ किया है, बताइए तो उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर मिलान करिए आप, इसका सही उत्तर है फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड। तो फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड जो है उसको हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2020 में, अप्रैल 2020 में कंपनी द्वारा बंद की गई 6 योजनाओं के यूनिट होल्डर्स को 9,122 करोड़ रुपये वितरित करने का निर्देश दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव किस देश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और नाम है इसका कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI। किस देश में स्थित ये एक गैर सरकारी संगठन है? और इसका उत्तर आप दीजिए, और इसका सही उत्तर है, उसे मिलान कीजिए, ये भारत का ही है। एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में काम करता है, ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम करता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम ही है इसका, तो ये ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करता है। भारत में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले को वापस लेने के लिए एक बयान इसने जारी किया था और इसने देशद्रोह और आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने की मांग की थी। तो ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता है, भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? क्या है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चेन्नई। चेन्नई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं। भारत का ये पहला केंद्र स्थापित हो रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में, और इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए रिसर्च करना, रिसर्च को मजबूत करना, और इसे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा, ठीक है ना? तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन ये केंद्र है और चेन्नई में है। कैसा लगा आपको आज का DD30, जरूर बताएं। संडे को टेस्ट होगा, उसके लिए तैयार रहें, और जल्दी ही हम इसको और भी ब्रॉड करेंगे करेंट अफेयर के लिए, मेंस के लिए भी लोग कह रहे हैं तो उसको भी हम सोच रहे हैं, और साथ में मैपिंग तैयार हो रही है, जल्दी हो जाएगी मैपिंग। जब स्टार्ट होगी तो वीक में 3 दिन कम से कम होगी, लेकिन वो पूरा एक आप समझ लीजिए कि उसमें होमवर्क भी आपको करना होगा एक तरीके के साथ होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।